everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing good. So आप देख सकते हो मैं बस स्टॉप पे हूँ 43. एक्चुअली मेरा भाई आया था कुछ दिनों से, तो फिर मैं कोई ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई, और क्योंकि थोड़ा शेड्यूल जो था बिजी था. एंड अभी भाई जा रहा घर, इसलिए मैं भाई को आई थी ड्रॉप करने, एंड उनको मैंने ड्रॉप कर लिया है. अब मैं जा रही हूँ अपने घर. मैं जितनी बार भी 43 आई, हमेशा मैंने पार्किंग में ही जो है कार पार्क करी, बट आज मैंने सड़क में ही पार्क कर दी. मैंने सोचा कि थोड़ी देर की बात है, मैं वहीं पे पार्क कर लूँगी, सो थोड़ा इजी भी हो जाएगा. बस आई जस्ट होप कि मेरी गाड़ी उठा के ना ले गए हो. वैसे वहाँ पर बहुत सारी कार थी, बट स्टिल धन्नो. अब जाते हैं घर. मैं पहुंच गई अपने घर वाले मार्केट के पास, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्लॉथ की शॉप. आई थिंक लड़कियों की न्यू ओपन हुई है, तो मैं जाती हूँ. काफ़ी टाइम से शॉपिंग भी नहीं करी है, मैं देखती हूँ. लुक्स ब्यूटीफुल, अंदर जाके देखते हैं. हाँ क्या मम्मा? सी कलेक्शन अच्छी है, बट फ्लोरल ज़्यादा है. इस टाइम वाला व्यू ना आई जस्ट लव. एंड मैंने एक टॉप ले लिया है, एंड अभी मैं जा रही हूँ डिश वॉश लेने, बिकॉज काफ़ी टाइम से ख़त्म है और मैं हमेशा शॉप आके ना भूल जाती हूँ. तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भूलूँगी नहीं. खाना मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, बिकॉज मैं खाने लगी हूँ खाना. खाने में बना है शिमला मिर्च और पनीर, और आज मैं बेड पे खाना खा रही हूँ. रात के बज रहे 11, मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मार्केट से आके. मैंने सबसे पहले घर वालों से बात करी, उसके बाद मैंने डिनर करा. देन मेरे पास कपड़े थे वॉश करने के लिए, मैं सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला, बिकॉज हम हॉस्पिटल गए थे आज, तो उसमें टाइम लग गया. फिर वो वॉश करके फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली, सारा कपड़े वॉश करके जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ. अभी मैंने मूवी बस स्टार्ट करने वाली हूँ, मूवी देखूंगी, बिकॉज कल है संडे, कल मेरे पास ज़्यादा काम कुछ नहीं रहेगा. एक और चीज़, जब मैं घर पे थी ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि आप अपना फैमिली व्लॉग बनाओ. तो फैमिली व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी, बिकॉज जब मैं इनिशियल डेज पे 3rd या 4th जून को जब मैं गई, तो मेरी फैमिली वाले सारे इकट्ठे थे, बिकॉज 3rd को हमारे घर में देवता आने थे, तो उस टाइम सारे थे. बट उस टाइम मैं बना नहीं पाई, बिकॉज लोग इतने ज़्यादा था कि मैं ज़्यादा थे कि मैं कहाँ फैमिली व्लॉग बनाती. एंड उसके बाद 4th को फिर मेरे जो फैमिली वाले हैं वो गांव में रहते हैं, कोई गांव से दूर रहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ. बिकॉज क्या होता है ना, जब कोई घर पे मम्मी और पापा होते तो कोई और नहीं होते, इसलिए मैं किसी का नहीं बना पाई. एंड और कुछ मेरे घर वाले ऐसे जिनको नहीं पसंद है, तो मैं नहीं चाहती किसी की प्राइवेसी को, यू नो, मैं जिसको नहीं पसंद है उसको नहीं पसंद है, राइट. बट ये इन फ्यूचर मैं अपनी फैमिली वालों से आप सभी को ज़रूर मिलवाऊंगी. एंड आप मेरी मम्मी से मिलियो, अंजलि से मिलियो, अमन से मिलियो, अक्षु से मिलियो, बाकी जितने भी मेरी फैमिली वाले हैं उन सभी से मैं आपको पक्का मिलवाऊंगी. एंड बस यही रीज़न है. सो घर से आके एक दिन ही मुझे अकेले रहना पड़ा, बाकी मेरा भाई था तो मुझे अच्छा अच्छा लग रहा था. सो येस, आज मुझे खाली लग रहा है, बिकॉज आज मैं अकेली हूँ. सो कोई बात नहीं, रहना पड़ता अकेले भी. सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में.